ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपके लुक्स को मैक्स आउट कर सकते हैं। ये 10 मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, मैं इन्हें पर्सनली डेली बेसिस पर यूज कर रहा हूं। इसके अलावा इस वीडियो को किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है, हमें एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है किसी भी प्रोडक्ट से। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से परचेज किया और इन्हें परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज मेरे भाई सबसे पहले जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपका भाई बना रहा है वहां पे रील्स। उसके अलावा हमारा एक शॉर्ट चैनल भी आ चुका है, उसे भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अब सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारा लिप स्क्रब। आप में से मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हो जो मुझे मैसेज करते हो कि भैया मेरे जो लिप्स है ना ये थोड़े डार्क हो चुके हैं। इसके पीछे देखो चार मोटे मोटे रीजन आते हैं। सबसे पहला आता है ऑब्वियस सा रीजन है, दूसरा आता है जब आप हाइड्रेटेड नहीं रहते ना तब आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तीसरा रीजन आता है जब आपका सलाइवा बार बार आपके लिप्स पे टच करता है ना तब भी आपके जो लिप्स है ये डार्क होने लगते हैं। इसे सॉल्व करना सुपर इजी है, बस आपको एक लिप स्क्रब चाहिए। अब ये है, ये मैंने खरीदा था फ्रॉम अमेज़न और ये ब्रांड है अर्बन गबरू लिप लाइटनिंग स्क्रब। अब अगर आपके लिप्स डार्क है ना तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली हेल्प करेगा उन्हें थोड़ा लाइटन करने में। यूज करना बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको लेना है, अपने लिप्स के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्क्रब करते हुए आपको अप्लाई करना है और एक मिनट के बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो और उसके बाद एक SPF वाला लिप बाम जरूर अप्लाई करो सो दैट ये जो सन टैन है ना ये ना हो आपके लिप्स के ऊपर। दूसरा प्रोडक्ट जो आपके लुक्स को मैक्स आउट करेगा वो है एम कैफेन का कॉफी अंडर आई क्रीम। अब ये बहुत ज्यादा बेस्ट है आपके अंडर आई एरिया के लिए, जैसे बीच में ना मेरे को डार्क सर्कल का बहुत भयंकर वाला इश्यू होने लगा था तब मैंने इसे यूज करना शुरू किया था एंड ट्रस्ट में इसने काफी ज्यादा मेरी हेल्प की थी। मेरा एक्चुअली बीच में स्लीप साइकिल बहुत अफेक्ट हुआ था, बहुत बुरा हो गया था, तब मैंने इसे यूज करना शुरू किया था एंड ट्रस्ट में ये मैजिक जैसे वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर कॉफी है तो ये हेल्प करता है उस एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में और इवेंचुअली क्या होता है आपकी जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है। अब इसे खरीदने से पहले इसे यूज करना समझ लो, ये आपको सिर्फ रात को यूज करनी है। ये गलती मत करना कि आप दिन में भी लगा लो वरना मजा नहीं आएगा, ये हमेशा आपको रात को यूज करना है फॉर मैक्सिमम रिजल्ट। रात को फेस वॉश करने के बाद इसे थोड़ा सा स्क्वीज करना है आपको और अपनी अंडर आई एरिया के ऊपर आपको बस ऐसे अप्लाई करना है, दैट्स इट। हमारा तीसरा प्रोडक्ट इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि ये आपके फेस को क्लीन रखेगा, क्लियर रखेगा, साथ ही में अगर आपको एक्ने पिंपल है ना ये उसे भी सॉल्व करेगा और ये प्रोडक्ट है मुस्टेक का फेस वॉश। ट्रस्ट मी मेरे भाई, मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्पेशली जब से ये सिलिकॉन ब्रश आया ना ऊपर, ये काइंड ऑफ स्क्रबिंग का काम भी करता है लेकिन एकदम स्लाइट स्क्रबिंग और आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं ना उन्हें डीपली क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है जिससे आपकी जो स्किन है ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिखती है, आपकी स्किन काफी अच्छे से क्लियर हो पाती है और साथ ही में इसे पहली बार यूज करूंगे ना उसके बाद ही आपको काफी ग्लोइंग स्किन दिखेगी और आपको लगेगा कि नहीं यार काफी फ्रेश फील हो रहा है। और इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड, मतलब ये आपके एक्ने और पिंपल को भी रिड्यूस करता है। हमारी लिस्ट में चौथा प्रोडक्ट आता है मामा अर्थ का फेस स्क्रब। अब ये विटामिन सी एंड वॉलनट वाला फेस स्क्रब है। इससे पहले मैंने उस्तरा का फेस स्क्रब भी यूज किया लेकिन ये मुझे मेरी स्किन के लिए थोड़ा सा बेटर लगा बिकॉज़ ये थोड़ा सा माइल्ड है। इसके जो स्क्रबिंग ग्रेन्यूल्स है ना ये थोड़े से सॉफ्ट है, मतलब मेरी जो स्किन है ये थोड़ी सी सेंसिटिव है, अगर कुछ हार्ड चीज होगी ना तो मेरी स्किन थोड़ी सी रेड हो जाती है, मुझे थोड़े से सॉफ्टर ग्रेन्यूल्स चाहिए थे और ये मेरे लिए बेस्ट वर्क कर रहा है। और क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है ये आपके फ्री रेडिकल से भी फाइट करता है, साथ ही में जब आप इसे यूज करोगे ना आपको D10 इफेक्ट भी देखने मिलेगा। हमारा पांचवा प्रोडक्ट आता है एक पील ऑफ मास्क और ये मेरा पर्सनल फेवरेट पील ऑफ मास्क है, ये अर्बन गबरू की तरफ से आता है चारकोल पील ऑफ मास्क। अब इसकी बेस्ट चीज मुझे ये लगती है इसे अप्लाई करने के बाद क्योंकि समर चल रही है ये आपकी स्किन को काफी ठंडा ठंडा फील करवाता है, वो इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में ये आपके व्हाइट हेड और ब्लैक हेड को बहुत इजीली रिमूव करता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पील ऑफ मास्क है जो मैंने अभी रिसेंट टाइम में यूज किया है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसे यूज करने के बारे में भी समझ लो, आपको इसे वीक में बस दो बार यूज करना है, उससे ज्यादा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, दो बार में ये आपको बेस्ट रिजल्ट ही देने वाला है। हमारा प्रोडक्ट नंबर 6 और ये ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसे अप्लाई किए बिना मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलता क्योंकि ये जो सूरज देवता है ना ये हमारी स्किन को जला भी सकते हैं और ये आती है हमारी डॉक्टर शेथ की हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन। SPF 50 PA++ है, साथ ही में ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है और इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो ना अप्लाई करने के बाद आपने देखा होगा बहुत बार आपकी जो स्किन है ये वाइट वाइट दिखती है, इसको अप्लाई करने के बाद वो गलती नहीं होती, वैसी आपकी स्किन नहीं दिखती और ऐसा लगता भी नहीं आपने एक्चुअली कुछ लगाया। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। अब ये आपको UVA UVB रेस से तो प्रोटेक्ट करता ही है लेकिन साथ ही में जो ब्लू लाइट होती है ना जो आपके मोबाइल स्क्रीन से आती है ये उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। हाँ मेरे भाई वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है, आपको नहीं पता तो आज समझ लो। हमारा सातवां प्रोडक्ट आता है आपके सर के ताज के लिए, आपके बालों के लिए, और वो प्रोडक्ट आता है
फ्रॉम द ब्रांड द वुल्फ मैन, और इनका जो हेयर वैक्स है ना, ट्रस्ट मी, इसकी होल्ड मुझे बहुत ज्यादा सही लगी है। मैं इसे एक बार अप्लाई करके गया था, मेरे बाल सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट उसी शेप में थे, बिना किसी भी और प्रोडक्ट को यूज किए मैंने बस इसे ही यूज किया था, मैंने कोई हेयर स्प्रे भी यूज नहीं किया था। इसकी जो होल्ड है ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है, साथ ही में जब आप इसे स्टाइल करते हो ना, आपके बालों में एक बहुत अच्छी शाइन भी ये देता है। और यूजुअली हम जब भी हेयर वैक्स यूज करते हैं ना, हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि भाई कहीं ये मेरे बालों को डैमेज तो नहीं करेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, ये कंप्लीटली नेचुरल है। आई मीन इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, इसके अलावा SLS पैराबेन फ्री है ये प्रोडक्ट। अब बारी आती है हमारी आठवीं और हमारी नौवीं चीज की, अब इसे ध्यान से समझना वरना टोटली कंफ्यूज होने वाले हो। जो आठवीं चीज है वो है डॉक्टर शेथ की सीरामाइड एंड विटामिन सी डेली ब्राइटनिंग एंड रिपेयर क्रीम, लेकिन मैं इसे दिन में नहीं लगाता हूं, मैं इसे रात को यूज करता हूं। क्यों, ये मैं आपको अभी बताता हूं। और जो नाइन्थ प्रोडक्ट आता है वो आता है 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम, ये डर्माको की तरफ से आता है। अब मैं दोनों में से कौन सा कब यूज करता हूं ये भी समझ लो। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, अगर आपको हो रहे हैं पिंपल, तो आपको क्या लेना है, ये 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। आपको फेस वॉश करो, इसे थोड़ा सा अपने चेहरे पे लगाओ, जैसे यूजुअली हम फेस सीरम लगाते हैं, एग्जैक्टली आपको वैसे इसे अप्लाई करना है। यह आपके एक्ने को पिंपल को रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है दैट मन भाई हमारी स्किन पे थोड़े से डार्क स्पॉट है, हमारी जो स्किन है ये थोड़ी सी डल है, हम चाहते हैं हमारी स्किन थोड़ी फेयरर दिखे, जो सन टैन है ये सब निकल जाए, जो बचपन वाला स्किन टोन है ये वापस आ जाए, तो फिर ये डॉक्टर शेथ की सीरामाइड एंड विटामिन सी वाली जो क्रीम है ना, ये बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपकी स्किन को डीपली जाके रिपेयर करती है। इसके अंदर आप देखोगे 1% सीरामाइड कॉम्प्लेक्स है, साथ ही में इसमें 5% विटामिन सी भी है, उसके अलावा इसमें सी का एक्सट्रैक्ट है, साथ ही में इसमें आंवला भी है। ये सारी चीजें ऐसी है ना जो आपकी स्किन के ऊपर मैजिकली वर्क करती है। हमारा 10वां प्रोडक्ट आता है, और ये प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी मेरी शक्ल मत देखना, कुछ दिन पहले की शक्ल काफी ज्यादा सही लग रही थी बियर्ड के साथ, और ये एक्चुअली एक बियर्ड ग्रोथ ऑयल ही है। मुझे भी काफी हंसी आ रही है क्योंकि मैंने बियर्ड निकाल दी है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं बियर्ड ग्रोथ ऑयल के बारे में। लेकिन ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का बियर्ड ग्रोथ ऑयल बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेन रीजन क्या है, इसके अंदर है अनियन। अब ये अनियन क्या करता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इंप्रूव करता है, उसे बूस्ट करता है। मैंने और भी बहुत सारे ये बियर्ड ऑयल यूज किए, लेकिन मुझे ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगा। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा क्यों बढ़ गया, उसके पीछे रीजन था डर्मा रोलर। मैं डर्मा रोलर पहले यूज करता हूं और उसके बाद इसे अप्लाई करता हूं, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको बेस्ट बियर्ड देगा। अभी तो मैंने शेव कर दिया, लेकिन आप मेरी बियर्ड जानते ही हो पहले कैसी थी। सो ये थे वो 10 प्रोडक्ट जो आपके लुक्स को मैक्स आउट कर सकते हैं। इन्हें परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और चीज, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से परचेज किए, और अमेजोन से आप बहुत इजीली परचेज कर सकते हो, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो ना, कॉमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पर सवाल कर दो, आपका भाई जरूर आपका रिप्लाई करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और वीडियो शेयर करना मत भूलना।